हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे को न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो भी फेस कैम के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो और आपको अपने फेस कैम के साथ रिकॉर्डिंग करनी है, उसमें दोस्तों आपकी इंटरनल ऑडियो और माइक की ऑडियो सभी दोस्तों उसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे। फेस कैम के साथ आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आप लाइव करना चाहें तो वो भी दोस्तों आप उसके अंदर से कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने लैपटॉप में स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है OBS स्टूडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कैसे फिर आप उसके अंदर सभी चीजें यहां पर रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है OBS। तो उसको डाउनलोड करने के लिए या तो आप उसको क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर से। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है OBS स्टूडियो डाउनलोड। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको विंडो पर क्लिक कर देना है और अगर आप मैक वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो विंडो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड इंस्टॉलर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, आपको यहाँ से बैक चले जाना है और यहाँ पर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर। और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर देना है OBS स्टूडियो। जैसे ही आप ये लिख कर यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं OBS स्टूडियो आपके सामने आ गया है और यहाँ से दोस्तों आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से दोस्तों सिंपली से इसको इंस्टॉल कर लेना। और जब दोस्तों आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको सीन क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ स्ट्रीम वगैरह करते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह, तो आप यहां से दोस्तों सीन वगैरह आपके काम आएंगे। लेकिन अगर आपको सिंपली से रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये और ये ऑडियो वाला, बस यही दो आपको यूज़ होंगे ज़्यादातर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसा कुछ ओपन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग पर चले जाना है। तो कुछ सेटिंग करनी होगी आपको, तो वो मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग यहाँ पर करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको जर्नल में कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको आप ऐसे ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आपको आउटपुट पर चले जाना है और आउटपुट पर जाने के बाद यहाँ से आपको आपको आउटपुट मोड पर एडवांस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको एडवांस सेलेक्ट करना ऊपर में। तो आप सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड मिलेगा तो उसको आपको एडवांस कर लेना। एडवांस करने के बाद आपको चले जाना है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में और यहाँ पर दोस्तों आपको बाकी कुछ से छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो वीडियो का बिटरेट होता है वो यहाँ पर आपको 6 से 7 हज़ार पर रख देना है और की फ्रेम वगैरह भी दोस्तों आपको इतने रखने हैं। बाकी ऑडियो का भी 160 आपको रख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियो सेटिंग पर चले जाना है। इसमें भी दोस्तों आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपके बाद आपको सिंपली चले जाना है वीडियो वाले सेक्शन में और यहाँ पर दोस्तों अभी मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 1920 पर मैंने जैसे कि 180 पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आप इस पर कम करना चाहते हैं तो वो भी कम कर सकते हैं। तो आपको दोनों में एक ही यहाँ पर रिजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है दोनों के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों आपको FPS सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने FPS में यहाँ पर रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने डिस्प्ले को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले कैप्चर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्प्ले कैप्चर है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले कैप्चर 2 का ऑप्शन आ गया है। तो मैंने पहले से ही एक यहाँ पर ऐड किया हुआ है इसलिए ये 2 आ रहा है। तो मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ये वाला जो आप देख सकते हैं ऐड किया हुआ है पहले से, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है। तो आपको दोस्तों डिस्प्ले कैप्चर मिल जाएगा। तो जैसे आप डिस्प्ले कैप्चर आपको ओके करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। वैसे आपके में ये नहीं आएगी, आपके में ब्लैक आएगी। और जब आप डिस्प्ले कैप्चर को इसके अंदर यहाँ से ऐड कर लोगे तो आपके सामने ऐसे यहाँ पर ये विंडो सी आ जाएगी एक। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी डिस्प्ले तो कैप्चर होने लग गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्प्ले के साथ साथ आपका जो फेस कैम है वो भी दोस्तों आए, उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो मैंने ये भी पहले से ऐड किया हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस ये रहा। तो मैंने ये इसको बंद कर दिया था तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। आप जैसे देखेंगे
तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेस कैम वो भी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब आप इस दोस्तों इसके ऊपर सिंपली से क्लिक कर कर और इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, साइड में ऐसे रखना चाहते हैं, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने इसको साइड में एडजस्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मेरी वीडियो के साथ साथ दोस्तों मेरा फेस कैम भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ फेस कैम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे दोस्तों बंद करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टॉप रिकॉर्डिंग का, तो आपके में यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग आएगा। तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दोगे, फिर आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग 6 मिनट से यहाँ पर स्टार्ट है। तो वैसे दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्टार्ट होने लग जाएगी। और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो आपके सामने स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। और अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है और आप चाहते हैं देखना कि आपकी रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर फाइल पर आपको जाना है और शो रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो यहाँ पर फाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो जो भी आपकी फाइल होगी रिकॉर्डिंग की, वो यहाँ पर आपको सभी की सभी मिल जाएंगी। तो ऐसे दोस्तों आप अपने लैपटॉप के अंदर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप इसको बंद कर देंगे यहाँ से, तो ऐसे आपके जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, ये यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने OBS को यहाँ पर बंद कर दिया है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्रॉस नहीं करना, बस आपको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देना है इसको। अगर आप मिनिमाइज़ रखेंगे तभी ये रिकॉर्डिंग होगी, वरना अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ऐसे दोस्तों आप अपने लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।